रामनवमी को लेकर पटना के महावीर मंदिर में विशेष तैयारी की गई है। मंदिर प्रशासन की तरफ से महावीर मंदिर से लेकर जीपीओ गोलंबर तक लोगों के लाइन लगने वाले जगह को बैरिकेटिंग और टेंट से ढका गया है ताकि गर्मी के कारण लोगों को परेशानी ना हो। साथ ही मंदिर के पूरे परिसर में टेंट लगाकर लोगों को धूप से बचाने की व्यवस्था की गई है। खासकर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद नवेदम की बिक्री को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। मंदिर के सामने और जीपीओ गोलंबर के पास काउंटर बनाए गए हैं ताकि जो लोग प्रसाद लेना चाहे वो वहीं से ले सके। नवमी को लेकर इस बार विशेष रूप से तैयारी पटना के महावीर मंदिर में की गई है। दो साल से कोरोना के कारण जिस तरह से लोगों को इस पूजा में सम्मिलित होने का मौका नहीं मिल रहा था, बजरंगबली के इस मंदिर में, पटना के इस खास महावीर मंदिर में जो लोगों को आने की अनुमति नहीं थी, इस बार ऐसी कोई अनुमति पर जो है रोक नहीं लगाई गई है और लोगों को इस बार पूजा करने की पूरी छूट रहेगी। इसी की तैयारी अगर देख ली जाए तो पूरा ये पटना का महावीर मंदिर जो है परिसर लोगों के लिए जो है तैयार कर दिया गया है। कल रामनवमी है और आज जो है अंतिम तैयारी जो है पूरी कर दी गई। पूरा जो है ये यहाँ से लेकर, क्योंकि गर्मी का दिन है और पूरे दिन भर जो है लोग इस मंदिर में आने के लिए लाइन में लगते हैं, तो ये पटना के महावीर मंदिर से लेकर जीपीओ गोलंबर तक ये पूरा जो लाइन लगने का जो जगह है वहाँ पर पूरी तरह से टेंट से तैयार किया गया, ढका गया है। बाहर जो है नैवेद्यम के लिए और जिला प्रशासन की टीम जो है बैठेगी लोगों को मॉनिटरिंग करने के लिए, यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। गाड़ियों का परिचालन इस लेन से जो है यानी पटना जंक्शन से जीपीओ तक जाने के लिए वो बंद रहेगी। हालांकि आने वाले लेन में जो है वो गाड़ियां कुछ चल सकती है मगर इस लेन में जो है गाड़ियां नहीं चलेगी। पूरी तैयारी इसलिए की जाती है क्योंकि यहां पर 3 से 5 लाख के संख्या में जो लोग हैं दर्शन करने के लिए आते हैं। इसी को लेकर विशेष जो मंदिर की तरफ से तैयारी है, सुबह 2 बजे के करीब जो है मंदिर के गेट खोल दिए जाएंगे और आज भी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जो है मंदिर में आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। शनिवार का दिन होता है, आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और कल जो है इसी गेट से जो है लोगों को एंट्रेंस होंगे। सभी गेट्स बंद कर दिए जाएंगे, महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए अलग अलग गेट होंगे। महिलाएं के लिए ये गेट रहेगी और पुरुषों के लिए। देखिए महावीर मंदिर में खास ये बात होता है कि मंदिर में जो है नैवेद्यम का प्रसाद विशेष रूप से चढ़ाया जाता है, तो तैयारी जो है आज से आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है वो रखा जा रहा है कल के लिए और पूरी जो तैयारी है उसमें कोई कमी ना हो। महावीर मंदिर का भी जो ये पूरा परिसर है ये देखिए पूरा टेंट से तैयार करके ढक कर रखा गया है और यहाँ पर जो लोग आएंगे उन लोगों को लाइनबद्ध पंक्तिबद्ध तरीके से ही जो है प्रवेश करने की अनुमति होगी। ध्वज के लिए ये है, सुरक्षा में जो तैनात लोग हैं उनसे जान लेते हैं। कल एक बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा, किस तरह से आप लोग को तैयारी का निर्देश दिया गया, लोग को कैसे कंट्रोल करते हुए अंदर प्रवेश कराना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखना है, दूरी बनाकर रहना है और भगवान का दर्शन करना है, पूजा रहना है सर। जी 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 सर। चलिए देखिए ये पूरा जो परिसर है आप देख सकते हैं टेंट के साथ जो है यहाँ पर बनाया गया है, ढक दिया गया है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। लोग जो होते हैं कल 3 से 5 लाख के संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचेंगे और यही अनुमान है कि कोविड का जो समय खत्म हुआ है, 2 साल से मंदिर में इस पूजा पर जो लोगों को आने पर प्रतिबंध लगाया गया था उसमें जो है कल लोग यहाँ पहुँचे। कुछ लोग से भी जाना नैवेद्यम की भी तैयारी दिखा दें क्योंकि खासकर जो है इस दिन जो है नैवेद्यम की ही विशेष मांग होती है और इसके लिए जो है काउंटर्स भी जो है अलग से बनाए गए हैं। पटना का ये महावीर मंदिर है, यहाँ पर कल आपको नैवेद्यम नहीं मिलेगा, इसके लिए जो 2 काउंटर्स बनाए गए हैं, एक तो महावीर मंदिर के सामने जो ये जो जगह है इस जगह पर, ये देखिए स्टॉक जो है आज से ही कर लिया गया है, पूरी जो है स्टोरेज यहाँ पर रखी जा रही ताकि कल जो लोगों की भीड़ हो 2 से 5 लाख के करीब जो है लोगों की जो भीड़ होती है उस भीड़ को किसी भी तरह से नैवेद्यम मिलने में परेशानी ना हो। और क्या कुछ तैयारी है नैवेद्यम जो है उसकी बिक्री को लेकर यहाँ पर जान लेते हैं। सर कैसी तैयारी आप लोगों ने रखा है कि जो लोग यहाँ पर पहुँचे उन्हें नैवेद्यम खासकर चढ़ावे के लिए मिल जाए और कोई परेशानी ना हो, भीड़ भी नहीं? मंदिर की तरफ से काउंटर थेरा का काउंटर तैयारी किया हुआ है, लड्डू लगभग 20 से 23 हज़ार किलो का जो सेल के लिए हम लोग एस्टिमेट किया है, 23 हज़ार किलो का। ये बताएं काउंटर्स तो यहाँ पे है, ये काउंटर बंद रहेगा जो बाहर में लगेगा, ये तो बंद रहेगा जो पुल के नीचे जो यहाँ से लेके हाइडिंग पार्क जो पार्क में एक तो लगेगा, उसके बाद जो पुल के नीचे में कम से कम यह जो सामने एक लगेगा इस पर नैवेद्यम भी जो है बड़े पैमाने पर जो है बनाया गया है ताकि 2 साल से जो लोग मंदिर में नहीं पहुंच पाए थे, पूजा नहीं कर पाए थे रामनवमी को, जो विशेष पटना के इस महावीर मंदिर में भीड़ होती थी, इसके लिए जो है विशेष तैयारी की गई है और नैवेद्यम की कोई कमी ना हो इसके लिए विशेष काउंटर भी लगाए गए हैं।
रामनवमी को लेकर महावीर मंदिर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने पटना के सिटी एसपी अमरीश कुमार पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर का निरीक्षण किया। दरअसल रविवार को रामनवमी के अवसर पर दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है और इसी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पटना में कल रामनवमी को लेकर विशेष तैयारी और पटना के महावीर मंदिर में क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि 2 से 5 लाख की संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे यह अनुमान है। कोविड के कारण जो है इस बार कोई भी गाइडलाइन में जो है रोकने की अनुमति नहीं दी गई है, लोग आ सकते हैं। तो इसी भीड़ को देखते हुए हमारे साथ सिटी एसपी अमरीश कुमार जी हैं। सर, किस तरह से तैयारी आप लोगों ने रखा है कि लोग पहुंचे और उन्हें कोई परेशानी ना हो, क्राउड भी कंट्रोल में रहे? हम लोगों ने पूरी प्रॉपर बैरिकेडिंग कर रखी है, जिससे सारे के सारे लोग जो है एक एक पंक्ति से ही यहाँ पर आ पाएंगे। हमने लगभग 15 से 20 हज़ार की होल्डिंग कैपेसिटी बना रखी है। एक समय में हम इतने लोगों को होल्ड कर सकते हैं, ताकि व्यवस्थित तरीके से उनका पूजा दर्शन कराया जा सके। अंदर में व्यवस्था पूरी की पूरी स्ट्रांग की हुई है, सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं, इवन पीने के पानी के छाँव की व्यवस्था पूरी की गई है। हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, अच्छे से हम लोग ये सारा का सारा पूजा दर्शन जो है वो करवा लेंगे। सर, लोग भी यहाँ पे पहुँचेंगे, दिन तक तो ये दर्शन होगा, शाम को ये जुलूस भी निकलेगा, यात्रा भी निकलेगा, तो ट्रैफिक रूट को भी लेकर सर कुछ इधर बदलाव किया? हाँ, पूरा का पूरा ट्रैफिक प्लान बना है ट्रैफिक एसपी साहब के द्वारा, यह प्लान जो है निकाला गया है और पूरे पेपर में प्रकाशित भी किया गया है। जो भी लोगों को प्रसाद लेकर दर्शन करना है हनुमान मंदिर में, उन्हें वीर कुंवर सिंह पार्क होकर आना है, और उसके अलावा जो शाम को शोभा यात्रा होगी उसको भी हम लोग इसी रास्ते से निकाल लेंगे। शोभा यात्रा डाक बंगला से क्रॉस करती है। चलिए, सिटी एसपी जी थे और उन्होंने जो बताया कि जो तैयारी है वो बड़े पैमाने पे की गई है, ताकि बड़े संख्या पे जो है लोग यहाँ पहुँचेंगे और कोई कमी ना हो, कोई सुरक्षा में जो है कोई दिक्कत ना हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर पूरी व्यवस्था कर ली गई। ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है और लोगों को इसकी जानकारी पहुँचा दी गई, ताकि जो लोग यहाँ पहुँचे वो नियम के साथ ही पहुँचे और उन्हें कोई असुविधा ना हो। समय कैमरा पर्सन रणधीर के साथ गौतम गौंड, कशिश न्यूज़, पटना।